मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, या मुझे कोई सामान ऑर्डर करना है, या मुझे किसी को हायर करना है, या मुझे शेयर्स खरीदने हैं, या फिर मुझे लोन लेना है। इन सभी में एक चीज कॉमन है। शायद आप सभी को ये लग रहा होगा मैं यहाँ पैसों की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, इनमें पैसा कॉमन है, मगर एक और चीज भी है, वो है कॉन्ट्रैक्ट। मुझे चाहे एक प्रॉपर्टी लेनी हो, मुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट बनवाना पड़ेगा। मुझे ऑनलाइन सामान मंगवाना है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। मुझे किसी को हायर करना है, तब भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। इनफैक्ट जिन चीजों में एक दूसरी पार्टी इन्वॉल्व होगी, वहां मुझे कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट्स एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच, जो ये बताता है कि उन्हें क्या करना है या क्या नहीं करना है। बहुत से केसेस में हमें लॉयर्स या नोटरीज की भी जरूरत पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट्स इंडीड बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम करीब 200 सालों से बदला नहीं गया। उसका स्ट्रक्चर आज भी वैसा है जैसा 200 साल पहले था। इसी लूप होल से भरे सिस्टम की वजह से अगर मुझे 10 बार प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मुझे 10 बार कॉन्ट्रैक्ट बनवाना पड़ेगा। एंड 10 बार कॉन्ट्रैक्ट बनवाना मतलब 10 बार इन्हीं मिडिलमैन को पैसे देना। प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। सपोज सामने वाली पार्टी ने कोई फ्रॉड कर दिया, तो आपको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। सिर्फ फीस ही नहीं, इसमें आपका टाइम भी जाएगा। कोर्ट का डिसीजन आने में कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई फॉरेन पार्टी इन्वॉल्व है, तो आपको उस कंट्री के लॉस के हिसाब से चलना पड़ेगा। एंड ऐसे केसेस में फ्रॉड के चांसेस और बढ़ जाते हैं। हमें हमारे इस आउटडेटेड सिस्टम से बचाने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज में लाया गया। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या? अगर बहुत सिंपली पुट किया जाए, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर कोड है जो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर देता है जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन फुलफिल कर दे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और ट्रस्टेड बनाने के लिए वो ब्लॉकचेन पर स्टोर रहते हैं। सिंस ब्लॉकचेन को कोई इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं करता, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी मिडिलमैन के काम करते हैं। निक सजाबो ने 1990s में पहली बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया था एंड उसके पोटेंशियल की बात करी थी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वर्किंग समझने के लिए वेंडिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं। वेंडिंग मशीन ही क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी लॉजिकल प्रोग्रामिंग होती है। ऑल्दो वेंडिंग मशीन में कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, लेकिन उसके लॉजिकल प्रोग्राम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वर्किंग बहुत सिमिलर है। अब सपोज मुझे वेंडिंग मशीन से कोक लेनी है। मैंने वेंडिंग मशीन में 40 रुपए डाले, कोक सिलेक्ट करी एंड वेंडिंग मशीन ने मुझे कोक दे दी। अब ये प्रोसेस कैसे चला? मनी प्लस स्नैक सिलेक्टेड इक्वल्स टू स्नैक डिस्पेंस्ड। अब मैंने 40 रुपए की जगह 100 रुपए डाले, मैंने फिर कोक सिलेक्ट करी। इस बार वेंडिंग मशीन ने मुझे कोक के साथ 60 रुपए का चेंज भी दे दिया। इस बार प्रोसेस कैसे चला? मनी प्लस स्नैक सिलेक्टेड इक्वल्स टू स्नैक डिस्पेंस्ड प्लस चेंज। अभी इक्वेशंस कैसी भी मॉडिफाई हो सकती है। मैंने 20 रुपए डाले होते तो मेरी ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाती। मैंने वहीं 100 रुपए डाल के दो कोक ली होती तो मुझे दो कोक और 20 रुपए का चेंज मिल जाता। हमारी वेंडिंग मशीन का लॉजिकल प्रोग्राम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वहीं मैं पहली पार्टी हूँ एंड वेंडिंग मशीन में रखा हुआ सामान दूसरी पार्टी है, तो हमें बार बार कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। वेंडिंग मशीन के लॉजिकल प्रोग्राम ने सर्टन कंडीशंस फुलफिल होने के हिसाब से आउटपुट दिया। अब कैसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं? मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसका मेन पर्पस है प्रॉपर्टी ट्रेड करना। अब मैं एक सेलर से प्रॉपर्टी बिटकॉइन के बदले लेना चाहता हूँ एंड वो सेलर अपनी प्रॉपर्टी बिटकॉइन के बदले बेचने को तैयार है। अब मैं उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपने बिटकॉइन डिपॉजिट करूंगा एंड जैसे ही सेलर अपने लैंड टाइटल्स उसमें डिपॉजिट करेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मुझे प्रॉपर्टी टाइटल दे देगा एंड सेलर को बिटकॉइंस। अब दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं कि अगर सेलर ने प्रॉपर्टी नहीं दी तो, या उसने फेक प्रॉपर्टी टाइटल भेजा तो। ये क्वेश्चंस इसलिए अराइज होते हैं क्योंकि ऐसे फ्रॉड्स रियल एस्टेट में कॉमन है। तो हमारे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हमें इन फ्रॉड से बचा सकते हैं? अगर सेलर ने प्रॉपर्टी टाइटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर नहीं किया, तो मुझे मेरे बिटकॉइंस रिफंड हो जाएंगे। एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर है, तो उसमें फेक प्रॉपर्टी टाइटल सबमिट हो ही नहीं सकती। मैंने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पब्लिश किया था
लेकिन यह सबके लिए ओपन होगा। अगर आपको भी किसी और के साथ प्रॉपर्टी ट्रेड करनी है तो आप उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर सकते हो। आपको दोबारा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं। जस्ट इमेजिन ये कितनी ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट होने से बचा सकता है। हमें बैंक जाकर अकाउंट खोलना हो या लोन लेना हो, हमें कितना पेपर वर्क करना पड़ता है एंड प्रोसेस कंप्लीट होने में कुछ दिन भी लग जाते हैं। अगर मैं कहूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से यूज करके आपको चाहे अकाउंट खोलना हो या लोन लेना हो तो इसमें मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे और आपको किसी पेपर वर्क की भी जरूरत नहीं। एंड सबसे बड़ी बात, आपके फंड्स भी सेफ है। अनबिलीवेबल, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप जाकर कंपाउंड, आवी, मार्करडाओ ऐसे प्रोजेक्ट्स जाकर एक बार चेक करो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करके आप अपनी क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकते हो, वो भी बिना किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के। सपोज मुझे टेथर मैटिक के बदले ट्रेड करना, मैं यूनिस्वॉप पे गया। यूनिस्वॉप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बना हुआ है। मैंने वहां जाकर टेथर मैटिक का पेयर सिलेक्ट किया। एज सून एज मैं स्वॉप पर क्लिक करूंगा, मेरे टेथर यूनिस्वॉप के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरी ट्रांजेक्शन वेरीफाई करेगा। वेरीफाई होने के बाद मुझे उस अमाउंट के इक्विवेलेंट मैटिक भेज देगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट भी हो गया एंड हमें किसी मिडिलमैन की जरूरत भी नहीं पड़ी। ईथरम, कार्डानो, ट्रॉन, ईओएस ऐसी कई ब्लॉकचेन्स हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट करती हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का डीफाई स्पेस में बहुत यूज है। इनफैक्ट हमारा सारा का सारा डीफाई स्पेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर ही बना हुआ है। सिर्फ डीफाई ही नहीं, हमारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डैप्स भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर बने हुए हैं। इवन काफ़ी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज में ला रहे हैं। इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आई पर्सनली बिलीव कि वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं जब आपको अपने घर का रेंट देना हो, कार खरीदनी हो, कैब शेयर करनी हो, तब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही यूज कर रहे होंगे। आप यहां तक पहुंच ही चुके हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब तक तो आपने खुद ही गेस कर लिया होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फुली ऑटोमेटेड है, हमें किसी पर रिलाय नहीं करना होगा अपना काम करवाने के लिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्टलेस है, हमें किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। ये फास्ट है, कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है जैसे ही सारी कंडीशंस फुलफिल हो, एंड इट डजंट मैटर आप किस कंट्री के बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कॉस्ट एफिशिएंट है, हमें बार बार कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं। ये ट्रांसपेरेंट भी है, ये रिजल्ट्स भी बिल्कुल एक्यूरेट देते हैं एंड साथ ही साथ सिक्योर भी है। एंड आप ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अनोनिमस रहकर भी कर सकते हो। हम सभी को पता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स में सॉफ्टवेयर बग्स कॉमन होते हैं एंड हैकर्स इन्हीं बग्स को एक्सप्लॉइट करके फायदा उठा सकते हैं। ऐसे कई डीफाई प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से हैकर्स ने फंड्स चुराए। इसी ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल में चेंज हो जाता है तो कभी कभार उसमें लिखे गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अब नॉर्मली बिहेव कर सकते हैं। अभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लॉकचेन, डीफाई इन सबको लेके कोई क्लियर रेगुलेशन नहीं आई है एंड इसमें जितनी भी डिसएडवांटेजेस है उनको अभी भी सॉल्व किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कभी ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह ले पाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ आपके ओपिनियंस क्या हैं।